कभी किसी ने आपको रोका अपने धर्म के किसी रीति रिवाज के पालन से? बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में नहीं। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ मैं। मैंने वंदे मातरम बोला है तो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की धमकी दी गई है, लेकिन ऑपरेशन कर रहा है और उस वक्त नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो ब्रेक ले? नहीं नहीं, ऑपरेशन के टाइम पे नहीं कर सकते। मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी कब समझ में आएगी? उनको कभी भी किसी नियम कानून पालन करने की आदत ही नहीं है। अब जब उनके ऊपर डंडा मार के उनको बताया जाता है कि भाई आपको नियम भी, आपको क्या तकलीफ है? 5 मिनट की नमाज होती है, उसमें कौन सी गलत बात है? देखिए बहुत सारी सहूलतें हैं, जबकि मर्दों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना होता है, पर कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है तो मस्जिद नहीं जा पाते तो घर में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर दोस्तों कुछ बुद्धिजीवी भाई कहीं भी बैठ करके नमाज पढ़ने लग जाते हैं, उसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानियां होती है। आज की डिबेट इसी के ऊपर है और आपकी भी राय बहुत जरूरी है भाई। आप बताइएगा कि ऐसे कहीं भी रस्ते भी अपनी जो है प्रार्थना के लिए किसी को परेशान करना कितना सही है कितना गलत है, पहले इनके विचार सुनते हैं बाद में बात करेंगे। नाज़िया इलाही, आप मुस्लिम है, कभी किसी ने आपको रोका अपने धर्म के किसी रीति रिवाज के पालन से? बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में नहीं। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ मैं, लैलतुल कद्र मनाती हूँ, शबे कदर मनाती हूँ, रमजान मनाती हूँ। सीना चौड़ा करके मेरे घर के मर्द मस्जिदों में जाकर के जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, कभी किसी ने नहीं रोका। हाँ, मुसलमानों ने मुझे काफी मेरे दुपट्टे पर बात की है, मेरे हिजाब पर बात की है, मेरे डिग्री पर बात की है, मेरे बोलने पर बात की है, मैंने विकास के बारे में बात किया है तो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की कोशिश की है, मैंने संविधान की बात की है तो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की कोशिश की गई है, मैंने वंदे मातरम बोला है तो मेरे ऊपर फतवा जारी करने की धमकी दी गई है। लेकिन नाज़िया जी, जिन्हें जुमे की नमाज अगर कोई पढ़ रहा था, मस्जिद में जगह कम थी, अगर वो पब्लिक पैलेस में नमाज अदा कर रहे थे, हिंदू संगठनों ने जाकर वहां पे नमाज को रोका गया, नमाज पढ़ने से रोका गया, आज वहां नमाज नहीं होती जुमे की, तो ये बातें आपको दिखाई नहीं देती? आप कहां नमाज नहीं होती है? एक बार रुक जाइए, अरे रुकिए ना, कहां नमाज नहीं होती है? सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो रोकेंगे ही लोग। अरे सर क्यों रोकेंगे? क्यों नहीं रोकेंगे भाई? एक मिनट रुकिए, 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 नाज़िया एक मिनट, मैं दिन सड़क सड़क नहीं थी, वो पार्क थे, पार्क भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं होता। चलिए, हिंदू संगठनों ने जा जाकर वहां पर नमाज रुकवा दी, मुसलमानों को हक से महरूम किया जा रहा है। तो मस्जिद में नमाज होती है ना? मस्जिद में नमाज होती है मुझे लगता है। अरे सर क्यों जुमे की नमाज, मेरी बात सुनिए पहले, समझिए, जुमे की नमाज जो होती है वो बड़ी नमाज होती है। शांत होइए, शांत होइए। हम राजनीतिक पार्टियों के मोहरे बनकर क्यों धर्म को बदनाम करें कि भाई देखिए इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन है कि कहता है कि जहां हो वहां नमाज पढ़ो, नहीं तो आपने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। अरे भाई इस्लाम तो ऐसा कहता ही नहीं है, इस्लाम तो कहता है कजा की नमाज अदा कर दो। इस्लाम में बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारी सहूलतें हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ दे के नमाज पढ़ो। और अगर मैं हाईवे पे जा रही हूँ और नमाज का टाइम हो गया तो मैं वहाँ पे रुक के नमाज पढ़ सकती हूँ। एक्सप्रेस वे पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूँ, एक्सीडेंट क्या नहीं होता, दूं खुद भी मरूं, दूसरों को भी जान को नमाज पढ़ लूं, वो नहीं है। जो जगह पे आप रुक सकते हैं वहाँ पे रोक के पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक चीज और, अगर कोई अपने दफ्तर में है, दफ्तर के बीच में नमाज का वक्त जाहिर सी बातें होगा ही होगा, अगर शाम की शिफ्ट में हैं आप तो इस तरह के वक्त आ रहे हैं, नमाज का वक्त है तो क्या करें? नमाज पढ़ना जरूरी है? आप स्पेशली छुट्टी लें? छुट्टी लेने की क्यों क्या जरूरत? ब्रेक लें, मैं वही कह रही हूँ, ब्रेक लें, ये तरीका सही? हाँ, ब्रेक लेके नमाज पढ़ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत आ गई, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? तो अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और उस वक्त नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो ब्रेक ले? नहीं नहीं, ऑपरेशन के टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यूजुअली टाइम लंबा होता है नमाज का, एक से दूसरी नमाज के बीच में टाइम होता है तो उतने टाइम में वो एडजस्ट कर पाते। ट्रेन में अगर नमाज पढ़ता है तो आपको क्या तकलीफ है? 5 मिनट की नमाज होती है, उसमें कौन सी गलत बात है? देखिए बहुत सारी सहूलतें हैं, जबकि मर्दों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना होता है, पर कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है तो मस्जिद नहीं जा पाते तो घर में भी पढ़ सकते हैं। मैंने मैंने क्या कहा? मैं आपकी इज्जत की बात करी नहीं कर रही हूँ सायदा फलक, मैं इस्लाम को समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं चाहती हूँ कि लोगों को एक गलत मैसेज जाए। ये जो है ना एक पॉलिटिकल इशू, जो रूटीन में पढ़ते हैं मुसलमान वही पढ़ते हैं, रोड पे भी अगर कुछ जगह कम पड़ जाए बहुत सारे लोग एक वक्त पे आ जाते हैं, इसलिए शायद कभी पढ़ लेते होंगे। अंबर जी अलाउड है, अगर मतलब कुछ कंडीशंस में अलाउड है, जा रहे हैं जहाँ मन करे, 12 घंटे का रास्ता, जैसे मन करे वही नमाज पढ़ दो, क्योंकि नमाज पढ़ना इस्लाम में इतना जरूरी है कि चाहे आप सड़क ब्लॉक कर दो, चाहे आप प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दो, चाहे आप अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में कई बार मैंने देखा है कि लोग जो बीच का पैसेज होता है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में जगह नहीं होती तो वहां पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते। कि इतना जरूरी है क्या लिखा हुआ है इस्लाम में कि भाई जहां जगह मिल जाए वहां बस बैठ जाओ? वो लोग जो अपनी धार्मिक पहचान को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी साबित करना चाहते हैं, ये धर्म में राजनीति डाल दी है, इसीलिए इस्लाम में ये सारी चीजें जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि सहारनपुर में भी नमाज के बाद बड़ी आवाजें उठी ज्ञानवापी को लेकर या मस्जिद को लेकर, इस तरह की चीजें हमें बार बार अलग अलग जगहों पर सुनने को मिलती रहती है। अगर कोई शख्स
अगर कोई शख्स दफ्तर में है, काम कर रहा है, व्हीकल चला रहा है और ये मुनासिब नहीं है, या ट्रेन में ही सफर कर रहा है, मुनासिब नहीं है उसके लिए कि वो नमाज पढ़ पाए, तो क्या इस्लाम कहता है कि उसने गुनाह कर दिया? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई सफर में है या किसी दूसरे शहर में गया है तो नमाज कसर हो जाती है, यानी कि नमाज आप जितना आपकी नमाज आप पे फर्ज है उसकी आधी हो जाती है। और नमाज पढ़ने की मैंने आपको बता दिया कि आप बैठ के, खड़े होके, कोने में, चेयर पे, अपनी जगह पे बैठ के कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर पैसेज किसी का घेर लीजिए या आप बाद में पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कन्वीनियंस है। लेकिन आपको ये सारी चीजें करनी है, दूसरों का रास्ता ब्लॉक करना है, आपको ट्रैफिक जैम करना है। अभी सैयद कह रही थी कि ये तो प्रोपेगेंडा किया जाता है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी कब समझ में आएगी? पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों को बिगाड़ा है, उनको कभी भी किसी नियम कानून पालन करने की आदत ही नहीं है। अब जब उनके ऊपर डंडा मार के उनको बताया जाता है कि भाई आपको नियम का भी पालन करना है, आप अपने इस्लाम के नियम मान लीजिए, आप छोड़ दीजिए संविधान को, आप तो इस्लाम का भी नहीं पालन करते। इस्लाम तो कहता ही नहीं कि आप किसी को परेशान करके, आप जब एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए, जुमे की नमाज हो रही है, आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आया है या किसी को किसी तरह की बीमारी है, इमरजेंसी है, अस्पताल ले जाना है, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी? ना तो इंसानियत के नाते, ना ही संविधान और ना ही इस्लाम, किसी के भी नाते ये चीज बिल्कुल जायज नहीं है कि आप सड़कों पे ब्लॉक करके इबादत कर लीजिए। एक लाइन सईद फलक बार बार बोलती है कि इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम आर नॉट, लेकिन हम अपने धर्म को के अनुयायी हम ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा धर्म किस तरह का है। तो हमें, और जबकि इस्लाम में बहुत सारी कन्वीनियंस है, बहुत सारी सहूलतें दे रखी हैं, और संविधान की हम बात करें तो संविधान ने हमें कहा है कि हम अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हर जगह अपना धर्म ले जाकर हम अपनी नहीं मनवा सकते। हम अपना धर्म को माने, और सबसे पहले सबसे जरूरी है इंसान जो रोजी रोटी अपने और अपने परिवार के लिए कमाता है, वो सबसे पहले इस्लाम कहता है कि आप अपने जो आपके अहलोयाल हैं, आपके परिवार वाले हैं, जिनकी आप पे जिम्मेदारी है, उनके लिए रोजी रोटी कमाएं, ये सबसे जरूरी है। लेकिन आपको नमाज पढ़नी, आप कजा भी पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप अपने केबिन में बैठ के 5 मिनट में अपनी सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के कर सकते हैं, आप किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकदम डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा ब्रेक ले रहे हैं नमाज के माने, तो ये मुझे लगता है ये आपको तय करना है कि इस्लाम की आप कौन सी छवि भेजना चाहते हैं दुनिया के सामने। इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटीज हैं नमाज को लेकर भी, जो कि फर्ज है, लेकिन आप उन फ्लेक्सिबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की छवि एक प्रोग्रेसिव रिलीजन की बनाना चाहते हैं, या फिर आप जान आपकी क्या राय है प्लीज बताइएगा मुझे। और इसमें जो आपने देखा भाई, अमरजादी लाई खान, मतलब हमारी जो है अमरजादी बैठी थी, उन्होंने बताया भाई, और डिबेट चली हुई थी किसके ऊपर मुद्दा था भाई, जो नमाज पढ़ी जाती है रोड के ऊपर वो कितनी सही है कितनी गलत है। महिलाएं थी भाई, एक महिला जो इसके ऊपर जो बहस कर रही थी, तो भाई सिंपल सी बात है यार, आप कुछ भी करो लेकिन आपकी वजह से किसी को अगर परेशानी हो रही है तो चीजें गलत है। आप किसी को खुश करने के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आप किसी को परेशान करके कर रहे हो तो भाई बिल्कुल भी वो चीजें ठीक नहीं है। उसमें भगवान हो या अल्लाह हुआ, भाई शाही, जो भी मतलब धर्म है, कोई भी धर्म है आप फॉलो करो, लेकिन आपकी वजह से किसी को परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई जो डॉक्टर है, भाई डॉक्टर अभी ऑपरेशन कर रहा है, उसकी नमाज का समय हो जाए तो भाई अगर वो बिल्कुल कट्टर होगा इस चीज में तो भाई वो तो ऑपरेशन छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर होते हैं, मतलब कोई भी मुस्लिम डॉक्टर है भाई, हमने देखा है अपने प्रोफेशन को सबसे पहले रखते हैं, इंसानियत को सबसे पहले रखते हैं, और चीजों को बाद में रखते हैं, उन्हें पता भाई क्या चीजें ज्यादा जरूरी है। तो एग्जाम्पल के बारे में उसको समझा सकते हैं, कई बार भाई फोटो वीडियो वायरल होती रहती है कि भाई एम्बुलेंस खड़ी है और लोग वहाँ पे नमाज पढ़ रहे रास्ते में, तो वो वेट कर रहे भाई नमाज कब खत्म होगी और हम उसके बाद जो है मरीज को जो है हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वो बचेगा नहीं बचेगा। तो भाई सोचो भाई, एक मुस्लिम आदमी भाई एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है और अल्लाह से दुआ कर रहा है अल्लाह मुझे बचा ले, और बाहर हमारे मुस्लिम भाई बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं और एम्बुलेंस आगे नहीं जा पा रही है, वो भी अल्लाह को बोल रहे हैं अल्लाह हमें जो है सुख शांति देना, हमारे जो बरकत देना, हमें सुरक्षित रखना। अब तो ये देखिए भाई, अब वो बंदा अंदर बैठ के जो है अल्लाह से भाई प्रार्थना कर रहा है तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? तो भगवान जो ऊपर वाले अल्लाह है वो किसका साथ देंगे? तो भाई सोचने वाली बात है, थोड़ा अपने दिमाग लगाना चाहिए, हमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से, तो इस बात का ख्याल रखें। और आप लोगों की क्या राय प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।